मेरा नाम जीवन शर्मा है, मैं उज्जैन जिले। मेरे पास में 25 से 30 बीघा खेती है और गेहूं, प्याज और लहसुन की खेती करता हूँ। मेरे पास में 557 एकर है। मैं अपनी खेती में पिलऊ है, रोटावीटर है, थ्रेसर है। खेती के लिए जो भी जिस प्रकार से आवश्यकता रहती है मैं उन सभी का उपयोग करता हूँ। इससे पहले भी मेरे पास में ट्रैक्टर था एकर, और भी ट्रैक्टर है, लेकिन इसका जो एवरेज है और इसका जो काम है वो बहुत अच्छा काम। जिसके बाद इसकी खासियत ये है कि इसमें किपर गियर है। किपर गियर में क्या है कि रात में रिपर खड़ी करनी पड़ती है हमको, और इससे क्या है सर, रात में रिपर खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं, किपर गियर में डाल के हम चला सकते हैं। जिसके बाद में अगर जो ज़्यादा जहाँ भूसा रहता है सर, वहाँ पर हमें क्लेच पर चलाना पड़ता है दूसरा ट्रैक्टर। इसको क्लेच में चलाने की ज़रूरत नहीं है, किपर गियर में डाल के हम छोड़ देंगे तो क्लेच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। जिसके बाद में ये जीरो मेंटेनेंस में चलता है, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। और आइसर का 557 बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, जैसे चलाओगे ऐसा डीजल लेगा है। और सक्षम है हर काम में सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं करते, छोटा काम कर सकते इससे और बड़ा भी काम कर सकते। पिलो को खींचने में कोई दिक्कत नहीं आती है सर, कितनी भी आड़ जमीन हो, कुछ भी हो। जिसके बाद में ट्राली वाली को भी, कैसी भी ट्राली भरी हुई, पानी कीचड़ हो, उसमें सर ये रुकता नहीं, इसकी ये खासियत है। डीजल में इसकी बात करूँ सर, मेरे पास में 39 का ट्रैक्टर है। छोटा काम अगर जो मेरे को करना हो तो उसके हिसाब से ये डीजल लेता है छोटे ट्रैक्टर के से, और मेरे को बड़ा काम करना हो तो ये उस हिसाब से डीजल लेता है। लेकिन जिस हिसाब से डीजल लेता है सर, मेरा सारा काम कर देता है। इसकी जो स्टेयरिंग है वो मारुति के टाइप है, बिल्कुल छोटी स्टेयरिंग है और बहुत अच्छी स्टेयरिंग है। इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसकी बैठक भी बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल छोटी जगह में भी आराम से कट जाता है। मैं संतुष्ट हूँ सर आइसर। अपने सभी किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर ले तो आइसर ले, किफायती और अच्छा दमदार ट्रैक्टर है जो जीरो मेंटेनेंस में चलता है।